राधे कृष्ण भगवान की जय। तो जैसे कृष्ण जी थोड़े बड़े होने लगे, बड़ा सुंदर दिखने में लगता था, तो कभी कभी जो अच्छे सुंदर लड़के होते हैं उनके आगे पीछे सब लग जाते हैं, और जो उत काम ज्यादा करने लगे तो बगल आ जाते हैं, उनको देखने लगते हैं, फिर जो वो करे तो उसके देखने के कुछ और करने लगते हैं, और कभी कभी कोई होता जो उल्टा काम करे उसको आगे कर देते, तो उल्टा काम कर लेकर दूल्हा हमें दे दे। तो ऐसे क्या करते हैं यही, और नंद बाबा के लालना जिधर चले उनके पीछे पीछे सब जाते हैं, बोले ये कुछ करेगा तो इनका लग देंगे, नदगढ़ है इनका नाम बदनाम होगा, हम तो इंजॉय करेंगे लाइफ। कभी कभी ग्रुप में होते हैं आगे नटकटिया को भेज देते हैं। तो इस तरह से कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बाल लीला कर रहे हैं, जैसे किसी घर में निकलते हैं, कोई गोपियों के घर में जाते हैं तो सब उनको देखने लगते हैं, अरे लाला आया लाला आया। अब लाला को देखने के दौड़ते हैं तो कृष्ण भगवान क्या देखते हैं, गोपियां तो लाला को देखते हैं, लाला घर में देखता है कहाँ कहाँ कौन सी आए, थोड़ा मौका मिले तो माखन मिश्री की तरह मिल जाए। तो अब कृष्ण भगवान को देखने के लिए जो ग्वाल बाल थे ये सब आते हैं, और क्या करते हैं, बोले सुगत बाल लीला हरि केरी, कहा गोपी ने यशोमती सनहेरी, यशोदा नठगट तोर कंधाई, बछरन गौवन देत चुराई चुकाई। क्या करें, जैसे सब गाय बछड़े बांधे रहते हमारे सब यहाँ पर, सब बकरी जी वाले हैं, गाय चराए होंगे सब, उन पाए सब दूध तो गाय का खर का पिया होगा, तो बच्चे बांधा रहता है, गाय बंधे रहते हैं। कृष्ण कन्हैया क्या करते हैं, जाकर बच्चे को छोड़ देते हैं कि गाय का दूध पीने लगे, और एक बार बगल अपने से दूध निकाल के पी ले, लीला करें, लीला नहीं मजा आए उसमें, आनंद आता है, छोटे बच्चे तो क्या ना क्या करना चाहे। तो इतने में क्या है, सब राणा लेकर आए, तेरे लाला हमारे बछड़ों को छोड़ दिए हैं, गाय का सब दूध चला गया, माखन जैसे हो। तो ऐसे उल्टे सीधे काम करते थे, अगले जो ओराना लेकर सब आ जाते हैं। एक क्या कारण होता था, ओराना लेकर आते थे किसी भाव से कृष्ण जी का दर्शन हो जाए। गई गोपियां नंद रानी के पास आते थे और लाला को देखने के लिए, खिलाने के लिए, और उनका चेहरा देखने के लिए। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं तो कई लोग जाते हैं, चूमा मार देते ना, कोई कोई दुलार खेल लेते हैं, कोई हाथ से चू लेते हैं, लाला लाला, तो ऐसा ऐसा करके फिर ओढ़ना भी दे जाते थे। तो माता तो जान जाती थी ये सब तो हो रहा है, बच्चे करते हैं छोरा मोड़ा, तुम डांटते हैं, बोले तूने किया, नहीं 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 हमने क्यों किया। एक बार क्या होता है, अब यही बलराम और कृष्ण जी और कुछ और बच्चों के साथ में खेल रहे थे, कृष्ण जी जाकर मिट्टी में लुटने लगा, अब मिट्टी उठाकर खा लिए। अब जैसे वो मिट्टी खाते हैं, बल्लू बोलते हैं नहीं नहीं, ना ना बलराम बोलते नहीं नहीं। तो इतने में क्या होता है, बताते खेलते खेलते में, बोले इमी हरी सुख भयुक्त लखी, गोपी गहे सियाए, मात यशोदा हस पड़ी, शोभा बरनी नहीं जाए। कि गोपी सब चले जाते हैं, और इधर क्या होता है, एक दिवस बलराम युद्ध आयो ग्वाल समाज, कहा जसोमती सन कृष्ण ने माटी खाए आज। बोले आज कृष्ण जी ने माटी खाए हैं, और सुनत यशोमती नैन तेरे री, बोली बाहा पकड़ हेरी हरी कही हेरी। जैसे करके नहीं देखा हमारे बलराम जो है बावला, भजन कीर्तन गाय से झलक लेना, तो ऐसे हिला, तुम खाया मट्टी, माता मैया
हिलाते हैं, झिझोरेते हैं, पकड़ के हरी है केरी, अरे चंचल माटी की में खाई। और ग्वालन सहित कहत बल भाई, ग्वालन के साथ में बलराम जी बता रहे हैं और आना लेकर आए माता के पास। अब सब गुड बाई तो बनना चाहते हैं, अब कृष्ण की लीला आप देखो अपरंपार है। अब बोली भी हंसी नयन जल जाता, सब ये सब झूठ कहत है माता। बताते हैं कि ये सब झूठ कहे। और फिर मैं सपने हो माटी नहीं खाई, ले मुख देख भरम मिट जाई। मुख में खोलो तेरा भरम मिट जाई। एक बार से बोलते मैंने माटी खाई, मैंने ही माटी खाई, मैं नहीं ही माटी खाई, मैंने ही माटी खाई, मैं नहीं माटी खाई। सच बोल रहे हैं, समझने वाला बात है, नहीं की नहीं, मैंने ही मैं नहीं खाई, मैंने ही खाई। तो ले मुख खोल लो देख ले। और फिर जैसे मुख खोलते हैं वे लो मुख खोल कहो नंदरानी, सुनत ही हरी माया मने आनी। जैसे मुख खोलते हैं और क्या है, पहले पहले बोले मुख खोलने से पहले आप सावधान हो जाओ, माता को सावधान कर देते हैं। बोले कहे लखु सावधान हो माई, दीनी खोली मुख बार ना लाई। सेम टाइम मुख खोलते हैं, मुख में क्या देखते हैं देवी नंदरानी, बता दे लखे यशोदात ही सुख माही, जड़ जंगम में सब जग काही, रवि शशि सुर सुरपुर अरुतारे, सारी सागर युत मुख ही निहारे। मुख में खोले सारा संसार सारा जगत, तीन लोक सब उन्हीं में दिखाने लगा, चर चर सब। और इतने में सुनते ही माता आप सोचिए मैं क्या देख रहा हूं। प्रेमी जसुमती निज पुत्र मुख देखे सब संसारे, ब्रज युत निज कहा निरखे, संशय भयो अपार हृदय प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। मुख को जब देखते हैं सारा संसार देखते हैं, अपने आप में अब अधम आधा कि क्या हमने देख लिया। और ऐसा सोचकर मन ही मन अब सोचने लगी कि क्या मैंने इसको छुटा दिया, तो सारा स्वामी है सब देश का, सारा संसार का स्वामी है। और जो मन चित्त कर्म तथा वाणी द्वारा ठीक ठीक समझ में नहीं आए, और या समस्त संसार जिनके अधीन है अथवा जिनकी सत्ता और माया में संसार भाता है, और बताते हैं जो चिंतन करने पे भी आते हैं, और उस भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और इस भाव से प्रणाम करते हुए अब क्या है, अलग अलग रूप में कृष्ण जी लीला करने लगते हैं। बताते हैं एक बार ऐसे छोटे थे तो थोड़ा कथा एक आदमी बढ़ाते थोड़े बड़े हो जाते हैं, अब दूध चोरी करते हैं, पी लेते हैं, माखन चोरी करते हैं। एक बार नंदरानी ने उनको एक उखल एक खूटे में जाकर बांध दिए, पहले माखन जब मक्खन माथे मथे वाला काम कई लोग जानते होंगे, बांस का होता था वो, अभी तो इलेक्ट्रिक हो गया काफी, मथनी मथनी तू मथने जावे तब इधर ले जाए निकाले खा ले। और क्या करते हैं यशोदा भैया एक बार बांध दिए खम्भे में, ये खम्भे बांधते अपना मैं काम कर लू, जिस काम कर लेते अपने काम करने के बाद क्या देखते हैं उन्होंने वो उखाड़ कर लेकर भाग पड़ा हुआ। तो इतने जिद्दी था। और एक बार बताते हैं इसी तरह से दो वृक्ष थे, उनके बीच में जाकर बना जाते हैं, वृक्षों को बिहार देते हैं। और नल कुंवर का उसमें आगे में बताते हैं, नल कुंवर का जो तप था त्याग था, फिर वृक्ष बने हुए थे उनको उखाड़ देते हैं, एक लीला ये करते हैं। और इसी भाव को देखने के लिए उधर देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, भोलेनाथ का स्मरण करते नारायण 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 नारायण। भोले बाबा आपको मालूम नहीं है कृष्ण जी अवतार ले चुके हैं, दर्शन करने नहीं जाओगे। अब ऐसे में क्या है, भोले बाबा सोचते हैं जाए, बड़ा सुंदर बात आप बता दियो। और उधर से क्या है, अब एक भंडारी बनकर और नीचे उतरते हैं। और इधर नारायण भगवान को पता लग जाता है, अब जो मांगा है बताते हैं, भोले बाबा नीचे जा रहे हैं पृथ्वी पर और आप भी सहायक करो। अब क्या होता, भोले बाबा
अपना रूप बदलकर अलख निरंजन, अलख निरंजन जगाते हुए अब यहाँ पर नंदग्राम में पहुंच जाते हैं। और जैसे वहां पर पहुंचते हैं भिक्षम दे अलख निरंजन, और जो कुआ होती है नंदरानी वो बताते हैं कि तेरे द्वार पर कोई आया नंदरानी, तो बच्चे को नहा खिला रहे थे, सपरा रहे थे, जाकर जब खबर देते हैं कि तेरे यहाँ पर कोई भिक्षम दे भिखारी आया है, बड़ा अलग अलग रूप है, तो उनको जब देखने के लिए जाते हैं बोले कुछ भिक्षा निकाल दे, तो जैसे ब्राह्मणों को देते हैं आजकल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कुछ, उसी तरह इस ब्राह्मण को रूप में भी अब भोलेनाथ आए हैं ब्राह्मण रूप में, उनको देने के लिए फरस रही थी, जैसे वो देने के लिए बाहर निकली तो बोले ये सब छोटे मोटे चीजें तो हम बहुत मिल जाता है कंकड़ों के, क्या लाए, तो अपने में एक बजाए अपना मृदंग, इतने बोले ये सब जो चाहते हो इससे अच्छा काम तुम्हें दे देंगे, तो निकाल कर उसमें सोने चांदी और भर दिए, बोले ये सब बोले मेरे काम का नहीं है, बोले मुझे दर्शन दिखा दो, कृष्ण जी को देखना चाहता हूं। और इस भाव से क्या है कृष्ण जी को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, चले एक छोटी सी कीर्तन हो जाए अलख निरंजन निकाने वाला, बच्चा को मौका दे गाए तो हम कथा उसको इसमें लेते रहे, ठीक है, एक बच्चा है जाता है उसके बाद में, हाँ जा शिव वाला शिव वाला, हाँ भोलेनाथ